पाकिस्तान मैं हूं तायफर अमीर और आप देख रहे हैं मीट आकिश। दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको दिल दिल पाकिस्तान, जिसे नेशनल एंथम पाकिस्तान का 2 भी कहा जाता है, इस तराने की मेकिंग बताऊंगा कि ये किस तरह से मार्ज वजूद में आया और किस तरह से इसको किया गया था। ये वैसे तो आप सब जानते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर शुएब मंसूर साहब की ये काविज थी, लेकिन ये किस तरह से बना और 34 साल पहले 1987 14 अगस्त के मौके पर ये मार्केट हुआ था, और उसका पस मंज़र ये है कि PTV में उस वक्त एक कंपटीशन हो रहा था कि मिल्ली तराने बनाए जाएं और जो वेस्टर्न म्यूजिशियन हैं या वेस्टर्न म्यूज़िक हैं उनका ट्रेंड ज़्यादा था, क्योंकि उससे पहले नाज़िया ज़ुहेब हसन का 80 से लेके 86-87 तक एक बहुत ही पावरफुल एक उनका इन्फ्लुएंस रहा था इस खित्ते में, इस टेरिटरी में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे। तो खैर, ये मिल्ली नगमा 14 अगस्त 1987 के लिए तैयार किया गया और ये पहले नंबर पे आया था। इत्तफाक की बात है कि शुएब मंसूर, जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने वाइटल साइन को मुंतखब किया और इससे चारों लड़के जो इस ग्रुप से वाबस्ता थे वो फौजियों के बच्चे थे, यानी वो उनकी एक एसोसिएशन थी पिंडी में और दूसरी छोनियों में। वो बचपन में आपस में एक दूसरे को मिलते रहे थे, उन्होंने एक बैंड बनाया था। उन चारों में से आप जानते हैं कि जुनेद जमशेद साहब अब हम में नहीं रहे, वो एक फ़ज़ाई हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और बाकी 3 लोग यानी रोहेल हयात और नुसरत हुसैन, और नुसरत हुसैन उसी वक्त म्यूज़िक से अलहदा हो गए थे, वो इस वक्त एक एयरलाइन के साथ सीनियर पोजिशन से वाबस्ता हैं। तो शहज़ाद हसन शाही का हमने इंटरव्यू भी किया है, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें शेयर की हैं कि शुएब मंसूर साहब लाहौर में थे और ये सारे चारों दोस्त रावलपिंडी थे, और वाइटल साइंस बनाने का भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। शाही बताते हैं कि हम म्यूज़िक कर रहे थे तो हमारा वोकलिस्ट जो था, गुलुकार हमारा, सिंगर, वो हमें छोड़ के चला गया, और अब हमारे ग्रुप में ये हो गया कि भाई हमने वोकलिस्ट को ढूंढना है। तो एक दिन यूं ही बाज़ार में हम शाम को घूम रहे थे तो जुनेद जमशेद हमें नज़र आए, तो हमें पता था कि वो गाते हैं, तो इनको वहीं ख्याल आया कि क्यों ना इसको अपने ग्रुप में शामिल किया जाए। तो वहीं जुनेद जमशेद को बाज़ार में खड़े करके इन्हें इनवाइट किया गया कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। जुनेद जमशेद भी एक अलग ग्रुप में, उन्होंने भी एक अपना अलग बैंड बनाया हुआ था और वो म्यूज़िक कर रहे थे। तो जुनेद जमशेद ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मेरे साथी जो हैं, मेरे बडीज़ जो हैं, वो म्यूज़िक के साथ सीरियस नहीं हैं, लेकिन मैंने तो म्यूज़िक सीरियसली करना है, तो आप यूं करें कि परसों मेरा एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट है, वहाँ आप आएँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो शाही हसन बताते हैं कि उस रात जुनेद जमशेद ने वहाँ बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया, और उसके बाद हम सब वहाँ इकट्ठे हुए और ये फैसला हुआ, और वाइटल साइन जो है मार्ज़े वजूद में आए। दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा। दिल दिल पाकिस्तान के वीडियो की तरफ, तो शुएब मंसूर साहब ने कोई इन वाइटल साइन की वीडियो या गाना सुना था, तो उन्होंने इनको मुंतखब किया कि ये दिल दिल पाकिस्तान, जो उन्होंने स्थाई लिखी थी, और बाद में ये एक शायर थे उस वक्त निसार नासिक, उन्होंने इसके अंतरे लिखे थे। ये स्थाई जो है, मुझे तो लगता है कि ये जमीलुद्दीन आली साहब का जो तराना था जीवे जीवे पाकिस्तान, तो दिल दिल पाकिस्तान उसी वज़न पे और वहीं से आइडिया कशीद किया होगा शुएब मंसूर साहब ने, कि जीवे जीवे पाकिस्तान और दिल दिल पाकिस्तान में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये असल बड़ी मज़े की बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई, मैंने जब पूछा उनसे कि शाही साहब ये बताइए कि दिल दिल पाकिस्तान 34 साल हो गए हैं और थमने का, रुकने का और फेड आउट होने का नाम नहीं लेता, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त साइंटिफिक तज्जिया किया उसका। उन्होंने कहा कि एक तो ये बहुत ही सादा बात है, जो किसी को भी एक दफ़ा सुनने या गाएगा तो उसे याद हो सकती है, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। फिर उसके बाद ये है कि इसका अरेंजमेंट, जो धुन बनाई गई, ट्यून बनाई गई शुएब मंसूर साहब ने, वो बहुत ही आसान थी,
और उस पे वेस्टर्नाइज ये धुन है और इसकी शायरी भी हल्की फुल्की शायरी है, उस तरह से नहीं है कि बहुत मुश्किल नहीं है जैसे हमारा तराना, कौमी तराना जो है बहुत ही उम्दा और बहुत ही क्लास का लिखा हुआ है फीजलंद्री साहब ने, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। बच्चा उसे अपने बचपन में ही याद कर लेता है, लेकिन उसे उसकी समझ उस वक्त आती है कि कौम मुल्क सल्तनत पाइन दादा बिंदाबाद और अकूवते अखूवते अवाम, तो ये चीज़ें जो हैं ये एक मुश्किल है। तो हमें अपने कौमी तराने, ये शाही हसन का भी यही कहना था कि हमें हफीज जलंधरी साहब की जो बात है, बड़ी बात है, वो समझ आई, लेकिन स्कूल में जाके समझ आई। तो ये कम्युनिकेशन के मद्दे थे चूँकि शुएब मंसूर, तो इन्होंने उसको सादा धुन रखी, सादा ही इसकी शायरी थी और शायरी का स्टाइल भी जो था वो भी अंग्रेज़ी स्टाइल था, हल्के फुल्के स्टाइल में और अंदाज में शायरी की गई थी। और फिर उसकी जो वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें चार लड़के जो बहुत ही खूबसूरत चिट्टे गोरे और पप्पू किस्म के बच्चे, और उनकी जो उन्होंने कपड़े पहने वो भी उस ज़माने के मॉडर्न और वो अपर मिडिल क्लास के जो जीन्स जैकेट जिस तरह से पहने जाते थे, और फिर जिस तरह से उसकी वीडियो हुई है, ऑडियो के बाद वीडियो भी बहुत अच्छी हुई है, ये शकरपड़ियाँ और इस्लामाबाद गोल्फ क्लब और शाहराए दस्तूर पर इसकी वीडियो तैयार की गई थी। शाही हसन इस गाने की, दिल दिल पाकिस्तान के मिली तराने की वजह ये बताते हैं कि अच्छा ये किस तरह से हुआ कि हम फौजियों के बच्चे थे और सारी ज़िंदगी हमें हमारी सिरिश्त में और हमारी नेचर में शामिल था कि वतन से मोहब्बत करना और वतन से मोहब्बत के गीत गाना। फिर ये दिल की बात थी, दिल दिल पाकिस्तान दिल से गाई और दिल में उतर गई। शाही हसन बताते हैं कि ये दिल दिल पाकिस्तान जो तराना है इसकी ये लिखा ही शुएब मंसूर ने था, और जब इसके क्रेडिट दिए गए निसार नासिक साहब को भी उसमें वो शेयर किया गया और उनको भी क्रेडिट दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर शुएब मंसूर साहब ने सारा तराना लिखा होता अगर, तो वो निसार नासिक साहब का को क्रेडिट ना देते। ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, शुएब मंसूर साहब का ही होगा और शुएब मंसूर साहब ने ही इसको लिखा होगा, लेकिन अगले जो अंतरे हैं उनमें निसार नासिक साहब की कंट्रीब्यूशन होगी, इसीलिए उनको क्रेडिट भी दिया गया। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि शुएब मंसूर साहब और निसार नासिक साहब का जो नाम है शायरी में वो बिल्कुल डिज़र्विंग है दोनों। सवाल पैदा होता है कि इस तराने को 34 साल हो गए हैं, ये फेड आउट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तराने तो और भी हमारे यहाँ गाए गए हैं और उनको असातज़ाए फ़न ने गाया है, बादशाह फ़न ने गाया है, तो क्या वजह है कि उनकी नस्बत इस तराने को क्यों बढ़ाया जाता है? तो मुझे ये समझ आता है कि एक तो इसकी जो शाही हसन साहब ने भी कहा कि सादगी और इसकी सादा ट्यून, सादा अरेंजमेंट और वेस्टर्न इसका स्टाइल और वेस्टर्न थोड़ा सा अरेंजमेंट, फिर वीडियो में भी चार लड़के, और इसमें फिर देखिए कि इसकी शायरी में कोई इस तरह की बात नहीं की गई कि दुश्मन के छक्के छुड़ा दें, ये कर दें, वो कर दें, बर्बाद कर दें। ये वतन से मोहब्बत की और वतन को दुआ दी गई है कि बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवान, तो ये इस हवाले से भी मुख्तलिफ है। इसमें कोई लड़की मॉडल भी शामिल नहीं की गई, और ये भी इस हवाले से भी ये एक डिफरेंट तराना लगा है लोगों को। और फिर ये है कि सबसे बढ़ के इसको मीडिया ने कभी आउटडेटेड नहीं होने दिया। स्टेट की ये पॉलिसी भी रही है कि मिली तरानों को प्लेस करना है और स्पेस देनी है और इनको एक रेशो के साथ जो है लोगों को सुनाते रहना है ताकि नेशनलिज्म और हुब्बुल वतनी को प्रमोट किया जा सके। और इसके अलावा भी, दिल दिल पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे तराने जो हैं वो लोगों को पसंद आए और कबूले आम मिला। इसमें डान के एक सर्वे के मुताबिक ए वतन पाक वतन पाक वतन पाक वतन, जो उस्ताद अमानत अली खान साहब ने गाया था और करम हैदरी उसके शायर हैं, करम हैदरी साहब ने बहुत ही उम्दा ये तराना लिखा है, मेरी हस्ती में अना मेरी मस्ती में शऊर। करम हैदरी साहब ने ये तराना लिख के, मैं ये समझता हूँ कि करम हैदरी साहब ने कलम तोड़ा है कि मेरी हस्ती में आना मेरी मस्ती में शऊर।
आखिरी मिसरा करम हैदरी साहब ने कमाल लिखा, जिसमें वो कहते हैं कि अगर इस पे वतन से मोहब्बत में और इसकी हफाजत में मेरी जान कुर्बान हो जाए, जान निसार कर दूं, तो मैं ये समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन। तो बहुत ही उम्दा। तो ये डान के सर्वे के मुताबिक पहले नंबर पे ये तराना है, और फिर इसको अख्तर हुसैन अखियाँ ने कंपोज़ किया था। ISPR ने दोबारा रीड्यू किया है, जो शफकत अमानत अली खान से गवाया गया था, और साहिर अली बग्गा ने इसे रीड्यू किया था, और ओरिजिनली ये अख्तर हुसैन अखियाँ की कंपोजिशन है। इसके अलावा सोनी धरती बहुत ही पॉपुलर तराना है, फिर जीवे जीवे पाकिस्तान, ये दोनों शहनाज बेगम ने गाए हैं, जो बाद में बांग्लादेश चली गई थी, वो बंगाली थी। फिर इसी तरह ये वतन तुम्हारा है, बहुत ही पॉपुलर हमारा तराना। फिर दिल दिल पाकिस्तान का तो जिक्र मैं कर ही रहा हूँ। ये मैं आपको डान का वो सर्वे बता रहा हूँ, जिसमें चौथे नंबर पे दिल दिल पाकिस्तान है। और ख्याल रखना, आलमगीर साहब ने एक तराना गाया था, हमारा परचम प्यारा परचम, ये भी बहुत पॉपुलर है। और इसी तरह मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मोहम्मद अली शेखी साहब ने गाया था, हम जिंदा कौम है, ये तराना भी सदा बहार है, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, ये भी उन्होंने गाया हुआ है उस्ताद अमानत अली खान ने। और एक तराना है साथियों मुजाहिदो, जो मसूद राना शौकत अली साहब ने गाया था, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त तराना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।